कांग्रेस में क्या किसी बड़े फेरबदल की तैयारी हो रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस के कई सीनियर नेताओं की नाराजगी अब सामने आने के बाद सोनिया गांधी आज पार्टी की बड़ी बैठक करने वाली हैं। सूत्रों के अनुसार सोनिया की आज की ये बैठक बहुत अहम होने वाली है, जिसमें नेता साफ साफ आगे के रोड मैप के बारे में बात कर सकते हैं। ऐसी चर्चा है कि जनवरी के अंत में पार्टी नए अध्यक्ष का चुनाव भी कर सकती है। इसके लिए प्रक्रिया भी अब शुरू हो चुकी है। अब से ठीक 8 दिन बाद कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मनाने वाली है। 28 दिसंबर को कांग्रेस पूरे 136 साल की हो जाएगी। लेकिन इससे पहले कांग्रेस की कोशिश ये है कि पार्टी में सब ऑल इज वेल हो जाए। कांग्रेस ये संदेश देना चाहती है कि उसके अंदर विरोध को लेकर जो खबरें आ रही हैं, उनमें किसी तरह की सच्चाई नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस के सीनियर नेताओं की बड़ी बैठक पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज अपने घर पर बुलाई है। इस बैठक में असंतुष्ट नेता बताए जा रहे गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा भी शामिल होने वाले हैं। 10 जनपद पर होने वाली इस बैठक में प्रियंका गांधी के अलावा पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, एके एंटनी, पी चिदम्बरम, शशि थरूर, कमलनाथ, भूपिंदर सिंह हुड्डा और पृथ्वीराज चौहान जैसे कई बड़े नेता मौजूद रह सकते हैं। राहुल गांधी बैठक में होंगे या नहीं, ये अभी तय नहीं है, क्योंकि सीनियर नेताओं से सीधी बात और मुलाकात सोनिया को करनी है। दरअसल कुछ दिनों पहले कांग्रेस के 23 सीनियर नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर पार्टी में स्थायी अध्यक्ष समेत संगठन के चुनाव पर बदलाव करने की मांग की थी। सीटी न्यूज ने आपको सबसे पहले ये खबर भी दी थी कि कमलनाथ ने सोनिया से मिलकर उन्हें पार्टी के नाराज बड़े नेताओं से मिलने की सलाह दी है। इनमें से कुछ नेता बिहार चुनाव के नतीजों के बाद सख्त तेवर अपनाए हुए थे। गुलाम नबी आजाद ने तो पार्टी के कामकाज पर सवाल उठाते हुए यहां तक कह दिया था कि 5-स्टार कल्चर से चुनाव नहीं जीते जा सकते। आनंद शर्मा और कपिल सिब्बल ने भी 1.5 साल से बिना अध्यक्ष जूझ रही पार्टी को लेकर कई सवाल पूछे थे। जो लीडर चुन के आए उनको ये 5-स्टार कल्चर छोड़ देना पड़ेगा। आए पावर में आए लेकिन अभी कुछ खाने के लिए नहीं है, तो आप पहले आमदनी चुनी और खर्चा रुपया वो नहीं है, आपको पहले अचीव करना, उन लोगों के गांव में बैठना होगा। रात वहां हुई पब्लिक मीटिंग तो वहीं बैठना होगा, डिस्ट्रिक्ट में रात हुई तो वहीं बैठना होगा, मेहनत बहुत करना होगा। हाजिरी लगाने के लिए पद नहीं लेने चाहिए। ऐसे बयानों को राहुल गांधी के विरोध के तौर पर देखा गया। अब जब जनवरी अंत में कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव होना है, तो उससे पहले सोनिया के घर होने वाली आज की ये बैठक बहुत अहम कही जा रही है। माना जा रहा है कि संगठन के चुनाव में अध्यक्ष पर आम सहमति इस बैठक में बन सकती है। पिछले कुछ चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी को कई राज्यों में स्थानीय निकायों के चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान में सरकार के बावजूद पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा। ऐसे में पार्टी मौजूदा हालात पर चर्चा कर एकजुटता का संदेश देना चाहती है। ABP News आपको रखे आगे।